लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 9, 18 या 27, ये डेट्स पे जन्मे लोग होते हैं नंबर 9. 9 नंबर को रूल करता है मंगल, मार्स, द बिगेस्ट फायरी प्लैनेट, एंगो फायर. नंबर 9 की बात हो तो यही आता है याद, कभी ब्रूस ली तो कभी सलमान खान. सो नंबर 9 आप लोगों के लिए ये महीना थोड़ा ठीक ठाक जाएगा, नथिंग ग्रेट, बिकॉज 9 and 5 आर नॉट अ वेरी हैपनिंग थिंग टुगेदर. लेकिन डोंट वरी, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपके लिए भी गजब है. लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियन, ये 3 मंथ्स आप इंजॉय करने वाले हैं. इस महीने आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा, थोड़ा धैर्य से काम लीजिए. डोंट एक्सपेक्ट टू मच, ना एक्सपेक्ट करोगे ना दुखी होगे. बट येस, यू कैन बी हैप्पी बाय बींग होपफुल अबाउट द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. थोड़ा केयरफुल रहना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि 5 नंबर मर्क्यूरी का भी बहुत क्विक होता है एंड नंबर 9 के पास भी पेशेंस की बहुत कमी होती है. पेशेंस बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने कोशिश की ना तो यू कैन मास्टर इट. नो डाउट आप जो काम करते हो आपको बहुत पसंद आता है, क्योंकि बहुत शिद्दत से और डिसिप्लिन से आप करते हो. मगर दिस मंथ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ आपका रिलेशन खराब हो सकता है बाय पिकिंग होल्स इन देयर वर्क. थोड़ा भरोसा कीजिए, क्या पता उन्होंने जो काम किया है आपके भले के लिए ही किया है. कोई भी बड़ा डिसीशन एक्चुअली पोस्टपोन कीजिए, हो सके तो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में कीजिए, लेकिन अगर नहीं हो सके तो डू टेक अ सेकेंड ओपिनियन बिफोर मेकिंग दैट डिसीशन. वैसे तो दूसरों की गलतियों से सीख के हम बहुत सस्ते में पड़ जाते हैं, लेकिन वी आर ऑल ह्यूमंस, और जब तक हम खुद जाके सर फोड़ते नहीं हैं तो वी डोंट लर्न. बट इफ़ यू आर अ स्मार्ट वन, मेक श्योर कि दूसरे की गलती से सीख लो, तकलीफ कम होती है. इस मंथ मैं आपको एडवाइस दूंगी कि ना अपने इमोशंस और ना अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कीजिए, ये सब आप नेक्स्ट मंथ तक संभाल के रखिए. दिस मंथ यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल ऑफ योर फीट एरिया, थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिए, एंड ऑफ दैट जूमिंग कार जो आपके पास आके बहुत फास्ट निकल जाती है. बी मोर अलर्ट देन यू आर इन अदर मंथ्स.